शाहरुख खान की फिल्म पठान की बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी कई मायने में अलग है। ओटीटी के जमाने में थिएटर्स में फैंस की ऐसी दीवानगी ने जहां शाहरुख खान के स्टारडम को एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर कायम कर दिया, वहीं नफरती गैंग को भी मुंह की खानी पड़ी। इसीलिए अब सियासतदान खुलकर पठान की इस जीत को नफरत पर मोहब्बत की जीत बता रहे हैं। इस मुद्दे पर अखिलेश यादव ने कहा, पठान का सुपरहिट होना देश और दुनिया में सकारात्मक सोच की जीत है और भाजपाई नकारात्मक राजनीति को जनता का करारा जवाब। लेकिन अखिलेश यादव का पठान के हिट होने पर ट्वीट करना वीएचपी नेता साध्वी प्राची को इतना बुरा लगा कि उनका जवाब देते हुए उन्होंने कहा, टोंटी चोर का हारना उत्तर प्रदेश और भारत में हिंदुत्व की जीत है और हिंदू विरोधी सफाई नकारात्मक राजनीति को जनता का करारा जवाब। आपको याद होगा, साध्वी प्राची उन लोगों में से रही हैं जिन्होंने खुलकर पठान की शुरुआत से ही बॉयकॉट की अपील की और इस अपील के लिए उन्होंने कई दिन सोशल मीडिया में अभियान चलाया। साध्वी प्राची के अखिलेश यादव को टोंटी चोर कहने पर उनके कमेंट सेक्शन में इसके विरोध के कमेंट्स की बाढ़ आ गई। सपा नेता राजीव रॉय ने कहा, आप जैसों को हमारे यहाँ चिरकुट कहते हैं, शर्म नहीं आती साध्वी लिखकर और गिरवा वस्त्र धारण कर आप दोनों का अपमान करती रहती हो दिन भर। वहीं एक यूजर इंडियन क्रिकेटर्स के पठान फिल्म देखने की तस्वीर शेयर करते हुए साध्वी प्राची से कहते हैं, अब तो ज्यादा मिर्ची लगेगी। आपको याद दिला दें, अखिलेश यादव पहले नेता नहीं जिन्होंने पठान के ब्लॉकबस्टर होने पर बीजेपी को सुनाया है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत भी पठान की सक्सेस को बीजेपी के नफरती सोच की हार बता चुके हैं। क्या आपको भी लगता है कि नफरती गैंग को वाकई में पठान ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, या पठान की सक्सेस केवल एक बड़े स्टार की सक्सेस है जो इससे पहले भी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुका है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल को ज्वाइन भी करें और सब्सक्राइब भी।